हेल्थ मिशन के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सरकारी आवास ओवर के बाहर अपनी मांगे लेकर पहुंचे। इस दौरान कर्मचारियों के हाथ में सरकार से मांग के बैनर भी थे। एक बैनर में अब तो आंखें खोले सरकार लिखा था और अपनी सरकारी आवास से बाहर निकलते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की नजर जब इस बैनर पर पड़ी तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गाड़ी से उतरकर बाहर आए और एनएचएम कर्मचारियों पर भड़क गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों से पूछा कि वे कौन हैं और बैनर में क्या लिखा। दुर्भाग्यपूर्ण रहा, हमने पिछले एक हफ्ते से लेकर लिखित में भी इनसे परमिशन लेने की कोशिश की, वर्बली में पर्सनली मिला इनके पीए साहब से भी मिला हूं मैं, लेकिन आज हमने कोशिश की थी कि सभी जिलों से जितना भी हमारा कार्यकारिणी है और उसके अलावा जितना भी हमारा जो अपना कर्मचारी वर्ग है, एक बड़े डिसिप्लिन मोड में हम आए कि इनसे अपनी बात को रखें। लेकिन ये आपके सामना सारा इंसिडेंस हुआ, सीएम साहब आए कि अब तो आंखें खोलो सरकार, ये कोई आज का हमारा इनको बताने का प्रयास नहीं था। ये पिछले 24 सालों से हमने यही स्लोगन हमने इनको बताया था सरकार को कि अब तो आंखें खोलो सरकार, इसके पीछे मंशा क्या है ये जानने का ना प्रयास पहले की सरकार ने किया, वर्तमान सरकार ने थोड़ी सी कोशिश भी की, लेकिन कॉन्क्लूजन जिस बात पर बन के निकला था, एक ड्राफ्ट जो यहाँ सबमिट हुआ वो 23 जून को ड्राफ्ट सबमिट होने के बावजूद भी आज 10 अगस्त हो गई, डेढ़ महीने में वो मात्र फाइनेंस डिपार्टमेंट या हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के डिपार्टमेंट में ही चक्कर खाता गया। और वही चीज इनको बताने के लिए ये आंखें खोलो सरकार, यही एक बिल्कुल संक्षेप सा एक मैसेज था जिसमें क्लियर डेफिनेशन इसमें हमने कोशिश की इनको बताने की। अब इसको ये किस दृष्टि से देखते हैं, लेकिन अगर हमारे पार्ट से इसको देखें तो ये बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हम झेल चुके हैं। चंबा से शिमला पहुंचने में 14-15 घंटे लगते हैं। हमारा एम्प्लॉय जो यहाँ पहुंचा है, चंबा से पहुंचा है, किन्नौर से है, मंडी से है, कांगड़ा से है, हमीरपुर से है, ऊना, बिलासपुर, कुल्लू, 12 के 12 जिले यहाँ पर आपके सामने पहुंचे हुए हैं। अगर समय से आप इसको देखें तो 15-15 घंटा का सफर करने के बावजूद भी हम यहाँ 9:45 के करीब गेट के पास खड़े हो गए थे। 9 बजे एग्जैक्ट मैं पहुंच गया था, जिसकी सूचना हमने पुलिस प्रशासन को भी, सीआईडी को भी लिखित में भी दे दी थी। बावजूद इसके भी हमारी अनदेखी मिलने के लिए की जा रही है। अगर इस तरह का रवैया सरकार का है तो हम भी अगर अनदेखी अपने सर्विस रिगार्डिंग करना शुरू कर दें कि पेशेंट को देखना छोड़ दें, कोविड पीरियड है वहाँ हम अपनी सर्विसेज ना दें, तो ये सरकार समय